मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी 24 सीटों के लिए लोकसभा पर नामों का घोषणा कर दी है, लेकिन बात की जाए इंदौर, छिंदवाड़ा, धार और उज्जैन और बालाघाट की इन 5 सीटों पे अभी नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से विधानसभा में नए चेहरे के रूप में मोहन यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने बनाया था, उसके बाद में कई अटकलें चलती रही। अब बात की जाए आर्थिक रूप से राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की, जिसकी राजधानी की सत्ता मध्य प्रदेश से अब शुरू होती है, लेकिन इंदौर को होल्ड पर रखा गया है। और ख़ास तौर पर जिस उज्जैन से मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने, उस सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। इंदौर में कई नामें हैं जिनको लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि राय मशहूरी भी की गई थी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शंकर लालवानी को पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ा कर जिताया था। लेकिन इस बार अगर हम नामों की बात करें तो गौरव रणधीवे, निशान खरे, जीतू जिराती और महापौर पुष्पमित्र भार्गव के नाम भी इस रेस में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर के भी मंथन था, लेकिन बीजेपी की आई इस सूची में कुछ हारे हुए प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो प्रत्याशी पहले से जीत कर अच्छा काम कर रहे थे उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। गजेंद्र पटेल हो या फिर बात की जाए ज्ञानेश्वर पाटिल की, ऐसे और भी प्रत्याशी थे जिनके नामों पर अब मोहर लग चुकी है। लेकिन इंदौर, छिंदवाड़ा, धार और उज्जैन और बालाघाट में आखिरकार बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी, इसको लेकर के विचार विमर्श है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम जाने तो ये साफ है कि जिस तरह से इन सीटों को होल्ड किया गया है, तो बीजेपी इन सीटों पर नामों के उम्मीदवार के लिए कई बड़े मंथन कर सकती है। कुछ नए युवाओं को भी जो है इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए मौका मिल सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी आखिरकार किसे उम्मीदवार चुनकर मैदान में खड़ा करेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, लोकतंत्र न्यूज़, इंदौर।